सिर्फ दो लौंग आपको यहां रखनी है, खराब से खराब रिश्ता, बिल्कुल बिगड़ा हुआ रिश्ता, कितना भी समय से खराब हुआ हो, कितने भी टाइम से चीजें खराब हो रही हो और किसी भी हद तक खराब हो गया हो, पल में चुटकी बजाते ठीक हो जाएगा। लौंग में अद्भुत शक्तियां हैं, लौंग बहुत शक्तिशाली है। रिलेशन, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब बहुत छोटी बात है। दो लौंग की बात कर रहा हूं, दो लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है इसके अंदर। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर हाजिर हूं, आज फिर आपको एक नई गाथा, एक नई परंपरा शुरू करा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं, कितना भी खराब रिश्ता हो, कितना ही बिगड़ गया हो, झगड़े किसी भी आयाम पर, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो गई, रिश्तों की, रिलेशनशिप की, पारिवारिक लाइफ की, किसी भी कंडीशन में सिचुएशन पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सामग्री क्या चाहिए? दो लोग। हाँ जी, वेद कहता है जाहा फल निर्जा फुलाक्षणी, ये व्यवस्था सामान्य नहीं है। वेद कहता है ये वो पुष्प है, ये वो फल है जो विश्व के सर्वाधिक फलों को देने की क्षमता रखता है, ऐसा कह रहा है। ताम्बूलम मनसामया विरचितम, ऐसा कोई ताम्बूल नहीं है जिसमें लौंग इलायची वगैरह ना हो। ताम्बूलम मनसामया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु, ऐसा कहते हैं। दो लौंग एक नहीं, विश्व में पहली एक ऐसी चीज है जो जोड़े में दी जाती है। कभी किसी जानकार को पूछिए, लौंग का जोड़ा होता है, लौंग अकेला नहीं दिया जाता है कभी किसी को। हाँ, लौंग हमेशा डबल चलती है, दो। जब दो लोगों को एक करने का साधन हो, जहां दो लोगों को मिलाने की बात करना हो, तो लौंग तो पहले से डबल, सिंगल बात ही नहीं करती है। लौंग हमेशा डबल, मंत्र पढ़ना हो, फुकवाना हो, कुछ काम कराना हो, फूक मरवानी हो, डबल लौंग चलती है, एक लौंग चलती ही नहीं कभी। नर और मादा होती है लौंग, जो पहचान पाना सामान्य इंसान की बस की बात नहीं। जो दुख में मुस्कुराता है भी इंसान कहलाता है। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है वो गुल, कौन है वो जिसमें भगवान नहीं है, कौन है वो गुल की जिस गुल शन में रोशन तू नहीं, कौन है वो जहां परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। तुम गड़बड़ा जाते हो तब जब तुम्हें विश्वास नहीं होता। ध्यान से समझना, अगर भगवान नहीं है तो जिक्र क्यों करते हो, क्यों पीछे पड़ते हो भगवान 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 भगवान, और अगर है तो फिक्र क्यों करते हो, करेगा वो मालिक के सब। आपको दो लौंग चाहिए। अब इस दो लौंग में थोड़ा भेद है। आपको एक कटोरी चाहिए पहले। उस कटोरी में नीचे के साइड में आपको या तो तुलसी के अर्क से स्वास्तिक बनाया जाए, और या तो बिलपत्र के अर्क से स्वास्तिक बनाया जाए। इन दोनों में से जो भी अवेलेबल हो लीजिए। तत्पश्चात इसमें उस स्वास्तिक के ऊपर धीरे धीरे शहद गिराया जाए, जब तक स्वास्तिक पूरा डूब न जाए। और बहुत प्यार से शहद गिराते समय आपको तीन बार बोलना है, ओम मधु ओम मधु ओम मधु। ऐसा कहने से मधुरता मधु में और बढ़ जाती। वेद तो कितनी कितनी ज्यादा बखानता कर रहे हैं इस बात की। ये वेद
मधुरम कण है जिसे इंसान ने नहीं बनाया, प्रकृति की व्यवस्थाओं को लेकर बनाया। विशुद्धात्मा विशुद्ध है, विशुद्ध से भी विशुद्ध है। और उसके बाद पहली लौंग सीधा उतार कर डालना और दूसरी लौंग उल्टा उतार कर डालना। जब सीधा उतारना तो अपने पार्टनर का नाम लेना, जब उल्टा उतारना तो अपना नाम लेकर के डाल देना। अब बस डाल देना, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे दोनों के दोनों फूल आपस में एक तरफ पास हो रहे होंगे। किसी तरह लौंग पास में आ जाए या पुष्प की जो लौंग की पुष्प है वो दोनों एक दूसरे के सामने हो जाए, ये इंडिकेशन है काम तुम्हारा तुरंत ही हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।